हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागॉजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट पार्ट कवर करने वाले हैं स्टैटिक जीके का, जिससे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली, और ये पूछ लिया जाता है कि ये नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है। तो उसी चीज़ को कवर करते हुए, क्योंकि इन टोटल 105 टोटल नेशनल पार्क है हमारी कंट्री में, तो 105 नेशनल पार्क याद रखना तो पॉसिबल नहीं होता प्रैक्टिकली। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं नेशनल पार्क को कवर करने वाला हूँ जो कि अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, लार्जेस्ट नेशनल पार्क है हमारे इंडिया का, वो है हिमिस नेशनल पार्क, जो कि लोकेटेड है लद्दाख में। तो लार्जेस्ट पूछे तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए। अगला है स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क, जो है वो है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, जो कि लोकेटेड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। दोस्तों, पहला मरीन नेशनल पार्क है हमारे देश का गल्फ ऑफ कच्छ, जो कि गुजरात में लोकेटेड है, गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क। और इसकी मैंने फोटो भी यहाँ पे लगाई हुई है, ये है गल्फ ऑफ कच्छ का नेशनल पार्क, जो कि पहले हमारे देश का मरीन नेशनल पार्क है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, जो कि लोकेटेड है मणिपुर में। तो ये है वो फ्लोटिंग नेशनल पार्क। तो ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमें पता होने चाहिए, हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है। अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं वो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की लिस्ट जिनके बारे में हमें पता होने चाहिए। पहला है राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क, जो कि लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में, ये पूछा जा सकता है। फिर है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि लोकेटेड है असम में, वन हॉर्न्ड राइनोसोरस के लिए बहुत फेमस है। एक और इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है मानस नेशनल पार्क, जो कि लोकेटेड है असम में। ये जो मैं लिस्ट आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा कहीं और से नेशनल पार्क नहीं पूछेगा। 105 नेशनल पार्क याद रखना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जो खाली इंपॉर्टेंट है वही हमें याद रखने। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, जो कि लोकेटेड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि लोकेटेड है बिहार में खाली यही एक नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क। अगला है गिर नेशनल पार्क, जो कि फेमस है फॉर एशियाटिक लायंस, जो कि लोकेटेड है गुजरात में। मोलम नेशनल पार्क, जो कि लोकेटेड है गोवा में। अगला है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। खीर गंगा नेशनल पार्क, वो भी लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। डच गम नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत बार और पूछा जा भी सकता है, वो लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में। पेरियार नेशनल पार्क लोकेटेड है केरला में, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में लोकेटेड है, जैसे कि वहां का माहौल भी शांति रहता है, तो वैसे ही साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में लोकेटेड है, ये भी पूछ लिया जाता है। बंदीपुर नेशनल पार्क, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका में लोकेटेड है। कुदेरमुख नेशनल पार्क कर्नाटका में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश में। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। सतपुरा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क महाराष्ट्र में। सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में, पूछ लिया जाता है बहुत बार। सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में। रणथंभौर, जो कि बर्ड्स के लिए फेमस है, राजस्थान में। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में। राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड में। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में। कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट जिसको कहा जाता है, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में 1936 में एस्टैब्लिश हुआ था और ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है हमारी कंट्री का। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में काफी सारे नेशनल पार्क हैं। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों, मैंने ये लिस्ट को छोटा किया था और जल्दी से आपको बता दिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जिनके बारे में आपको पता होने चाहिए। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।